हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको यूनियन बताने वाले हैं जो सिमिलर टू स्ट्रक्चर होता है. एक्सेप्ट इट अलाउ यू टू डिफाइन अ वेरिएबल दैट शेयर अ स्टोरेज स्पेस. उसमें फर्क ये होता है कि स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं वो सबकी स्पेस अलग होती है, लेकिन यहाँ पे जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो उनका जो स्टोरेज होता है वो एक ही होता है, और वो जो जो वेरिएबल सबसे बड़ी साइज़ का होता है उसके हिसाब से होता है. जैसे इंट जो होता है वो दो करेक्टर लॉन्ग होता है, फ्लोट जो होता है वो 8 करेक्टर लॉन्ग होता है, और करेक्टर जो होता है वो 1 बाइट लॉन्ग होता है. लेकिन यहाँ पे देखिए, करेक्टर के साथ str 20 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 20 करेक्टर यहाँ लगेगा, तो सबसे बड़ी साइज़ आपकी str की हो गई. तो str की साइज़ हो जाने के कारण यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा साइज जो होगा वो करेक्टर के 20 ले लेगा, और उसमें सारे वेरिएबल को 1 बाई 1 एक के ऊपर एक स्टोर करेगा. एक के ऊपर एक स्टोर करने का मतलब है कि वो एक बार में एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा. तो जो सबसे बाद में आप वेरिएबल दीजिएगा उसी को वो स्टोर उसी के हिसाब से, और जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी उसी के हिसाब से वेरिएबल आपका डिस्प्ले होगा. मतलब एक बार में एक ही वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने मेन एक प्रोग्राम बनाया जिसमें यहाँ पे यूनियन नाम डेटा नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें इंट आई, फ्लोट एफ और करेक्टर str 20 लिया. अब नीचे आए, यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया यूनियन डेटा डेट. जैसा कि हमने बताया था स्ट्रक्चर में इंस्टेंस क्रिएट होता है, उसी तरह यूनियन में भी यूनियन का इंस्टेंस क्रिएट होता है. तो यूनियन का इंस्टेंस जब हम क्रिएट करेंगे तो डेटा यूनियन का डेटा नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम वैल्यू 1 बाई 1 डालेंगे. डेटा डॉट आई इक्वल्स टू 10 करा, डेटा डॉट एफ इक्वल्स टू 0.5 किया, clr/str किया, जिससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी. अब हमने आपको बताया था कि जब एरे हम डिफाइन करते हैं तो उसी समय अगर वैल्यू आप इनिशलाइज करते हैं तब तो वो ले लेता, अदरवाइज ले लेता, तो उसके लिए हमें strcpy यूज़ करना पड़ता है. तो strcpy से हम डेटा डॉट str में सी प्रोग्रामिंग नाम का स्ट्रिंग स्टोर कर देंगे. अब इन तीनों को हम प्रिंट करेंगे. अब क्योंकि हम तीनों को एक साथ प्रिंट करना है तो लास्ट वैल्यू तो सही प्रिंट होगी, लेकिन और वैल्यू जो होगी वो सही प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि सबसे लास्ट में हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है और उसके डेटा साइज 20 है, तो उसको वो प्रिंट कर देगा और में वैल्यू जो है वो रॉन्ग प्रिंट करेगा. क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि स्टोरेज प्लेस जो है सारे वेरिएबल शेयर करते हैं, जो सबसे बाद में वेरिएबल स्टोर होता है वो ही डिस्प्ले आप कर सकते हैं और 1 बाई 1 ही यूज़ कर सकते हैं. तो इसको रन करते हैं और देखते हैं वैल्यू ठीक क्यों नहीं आती है. देखिए 10 है, आई में 10 है, एफ में 220.5 है, लेकिन वो प्रिंट डिफरेंट करेगा. अब ये देखिए आप, डेटा आई में 8259 कर रहा है, डेटा डॉट एफ में आपका कितनी लंबी वैल्यू कर रहा है, लेकिन डेटा डॉट एस टी आर को सही प्रिंट कर रहा है. तो यूनियन में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि एक बार में हम एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए एक सलूशन है कि आप यूनियन में 1 बाई 1 आप वैल्यू को प्रिंट करिए जब ज़रूरत हो. तो उससे क्या होगा कि आपकी सब वैल्यू इनिशियलाइजेशन के समय प्रिंट हो जाएगी. तो उसके लिए हमने प्रोग्राम जो बनाया उसमें देखिए, जैसे ही हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा डॉट आई इक्वल्स टू 10 करते हैं तो प्रिंट कर देते हैं तुरंत, तो वो डेटा सही प्रिंट हो जाता है. इसी तरह डेटा डॉट एफ करने पर हम उसको प्रिंट करते हैं तो सही होता है. फिर हमने strcpy किया और उसको भी प्रिंट किया तो सही हुआ. तो यूनियन और स्ट्रक्चर में यही फर्क है कि स्ट्रक्चर में तो हम सारे वैल्यू कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यूनियन में जो लास्ट वैल्यू स्टोर होती है उसी को हम एक्सेस कर पाते हैं. अब इसको आप रन करिए तो देखिए आपका सही आउटपुट आएगा. अब आपका देखिए 10 to 20 और सी प्रोग्रामिंग आ रहा है. पहले आपका डेटा जो है डिफरेंट आ रहा था. तो यूनियन और स्ट्रक्चर में यही फर्क है कि स्ट्रक्चर में से किसी भी वेरिएबल को हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यूनियन में हम जो लास्ट वैल्यू स्टोर होती है उसी को एक्सेस कर सकते हैं.
दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, और इसमें जो साइज होती है वो साइज हमने आपको साइज ऑफ से बताया था कि इंट में दो करेक्टर, डबल में एक करेक्टर, और आपका इस तरह से वैल्यू होती है जिसकी साइज होती है करेक्टर की 1/2 साइज होती है, और जितनी आपकी, अब इसमें जैसे करेक्टर की 20 स्पेस ले रहा है तो 20 × 1 करेगा तो 20 byte ले लेगा STR में, और फ्लोट में आपका 8 byte लेगा और इंट में आपका 2 या 4 byte लेगा, इट्स डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर बिट। अब यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग सबसे बड़ी है इसलिए स्टोरेज जो है STR 20 के हिसाब से लेगा। सो अब आपको यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट में उसको पूछिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अगर आपको पसंद आया हो कि हमारी दी गई इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज़ ऑल टुडे, प्लीज़ फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक्रेफएम एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट। थैंक यू।